दिल्ली को अनाथ क्यों छोड़ा गया? आप छोड़ सकते हो दिल्ली को अनाथ, लेकिन 34 साल से दिल्ली की सरजमीं पर तपस्या क्या हूँ दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली प्रभु राज के मुख्यमंत्री थे इस्तीफा दिया, ये तो आदि राज के मुख्यमंत्री है, ये तो आदि राज के मुख्यमंत्री है, फिर इनको ये दरअसल में इन्होंने जो पाप की, भारत सरकार हमें सरकार बनाने देना क्यों नहीं चाहते? आखिर क्या बात है? ये लोग ही योग्य हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जनतंत्र राजनीतिक दलों का जागीर है? क्या जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों की जागीर है? अगर जनतंत्र राजनीतिक दलों का जागीर है और जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों का जागीर है तो मुझे जवाब दे दो, मैं विथड्रॉ कर लूंगा। अगर जनतंत्र राजनीतिक दलों का जागीर नहीं है और जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों का जागीर नहीं है और जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि है तो मैं जनता की ओर से जनप्रतिनिधियों का साथ दावा किया हूँ विधानसभा में सरकार बनाने का, तो आखिर मेरे दावा को आज तक स्वीकृत क्यों नहीं किया गया? मैं पूछता हूँ केंद्र सरकार से, मैं पूछता हूँ राष्ट्रपति से, मैं पूछता हूँ बीके सक्सेना जी से, आखिर क्यों दिल्ली को अनाथ छोड़ा गया? इस भीषण गर्मी में, भीषण पानी के संकट में, भीषण बिजली के संकट में, नाना प्रकार की समस्याओं के दलदल में दिल्ली को अनाथ क्यों छोड़ा गया? आप छोड़ सकते हो दिल्ली को अनाथ, लेकिन 34 साल से दिल्ली की सरजमीं पर तपस्या क्या हूँ दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों को जिया हूँ दिल्ली वालों के लिए, आगे भी जीने के लिए तमन्ना है और उसके लिए तपस्या किया हूँ, तो उसे मरता नहीं देख सकता, दिल्ली वालों को तरसता नहीं देख सकता, दिल्ली वालों को भीषण गर्मी में झुलसता नहीं देख सकता। उनका समाधान हमें ढूंढना है और वो सभी समाधान माता प्रकृति की गोद में है, माता पृथ्वी की गोद में है। दिल्ली को अपना पानी नहीं है गलत है, दिल्ली को अपना पानी भी है, अपना बिजली भी है, अपने समस्या का हर प्रकार का समाधान के लिए दिल्ली में समस्त साधन संसाधन मौजूद है। जरूरत है सही व्यक्ति की जो उस साधन संसाधन को लेकर दिल्ली वासी तक पहुंचा सके, इसी को लेकर हमने दिल्ली की जनता के लिए 10 अप्रैल 2024 को दिल्ली में जनता की सरकार बनाने का दावा किया। लेकिन ये उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, ये आशीष कुंद्रा के ऊपर में खेल रहे हैं, ईशा खोसला के ऊपर में खेल रहे हैं, योगेंद्र जी के ऊपर खेल रहे हैं, राजेश जी के ऊपर खेल रहे हैं, आकाश शर्मा जी के ऊपर खेल रहे हैं और ये मुझे झांसी में रख रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी भी वही कर रहे हैं, गृह मंत्री जी भी वही कर रहे हैं। अब आप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं क्या राज्यपाल? मैंने दावा किया है जनता की सरकार का, जब आपने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, विकल्प नहीं दिया, जब केजरीवाल को बर्खास्त नहीं किया, विधानसभा भंग नहीं किया, निलंबित नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, कोई विकल्प नहीं दिया, केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुख्यमंत्री का मांगा नहीं, पर कोई जो आरोप सिद्ध थोड़ी ना ऐसा है, आरोप सिद्ध से मतलब नहीं होता, मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट ने इंट्री ऑर्डर देने टाइम इसके समस्त पावर सस्पेंडेड मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है और जो जुडिशरी में कैद में चला गया वो उसका पावर वैसे खत्म हो जाता है, स्वतः खत्म हो जाता है। अभी दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है मतलब विधिवत सरकार नहीं है, ऐसे ही राष्ट्रपति शासन भी नहीं है तो दिल्ली तो अनाथ हो गया ना, तो दिल्ली को अनाथ कैसे रहेगी? 2.5 करोड़ का आबादी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिल्ली को अनाथ रहने देगा? नहीं, बम्मा महाराज नौटिया ने अपने दम पर दावा किया तो दिल्ली को अनाथ नहीं रहने दूंगा, दिल्ली को भीषण गर्मी में झुलसने नहीं दूंगा, दिल्ली को भीषण पानी के संकट से। केजरीवाल जी जो कह देंगे, केजरीवाल की बाप का जागीर नहीं है, कानून व्यवस्था अपना है, केजरीवाल जी पूछे उसके बाप का राज है, जो वो कहेंगे वही चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल को, शासन व्यवस्था हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुआ वो मुख्यमंत्री थे, एक संप्रभु राज के मुख्यमंत्री थे इस्तीफा दिया, लालू जी गिरफ्तार हुए संप्रभु राज के मुख्यमंत्री थे इस्तीफा दिया, ये तो आदि राज के मुख्यमंत्री है, ये तो आदि राज के मुख्यमंत्री है, फिर इनको ये दरअसल में इन्होंने जो पाप किए हैं इस पाप को किसी को शेयर अपने बीवी पर भरोसा नहीं किया, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं किया, इस चक्कर में संप्रभु राज के मुख्यमंत्री थे इस्तीफा दिया, ये तो आदि राज के मुख्यमंत्री है, ये तो आदि राज के मुख्यमंत्री है, फिर इनको ये दरअसल में इन्होंने जो पाप किए हैं इस पाप को किसी को शेयर अपने बीवी पर भरोसा नहीं किया, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं किया, इस चक्कर में। लेकिन हमको क्या मतलब, हमें तो दिल्ली देखना है, हमें केजरीवाल को नहीं देखना, हमें भाजपा को नहीं देखना, हमें किसी को नहीं देखना, हमें दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी देखना। उनका जो है केस चल रहा है, नहीं केस चल रहा है, उसका मतलब आरोप तो दिल्ली होने दीजिए, ऐसा आरोप ही हो जाएगा उनका, मुख्यमंत्री का सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं, जो जेल में चला गया वो सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है, मुख्यमंत्री भी पब्लिक सर्वेंट है और कोई भी पब्लिक सर्वेंट जुडिशरी कैदी में चला गया उसका पद
उसका सर्विस स्वतः खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल ही तत्काल पदमुक्त हो जाता है। ये जो प्राइवेट पब्लिक सर्विस में सबके साथ है वो केजरीवाल के साथ है। किसे मुख्यमंत्री बनाए? मुख्यमंत्री का मैं दावा किया हूँ। मैं आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है? मेरे अंदर ऐसी खासियत है कि मैंने दावा किया मैं सभी 65 का 65 विधायकों के समर्थन में हासिल करूंगा और दिल्ली को एक सुयोग्य दिल्ली, सुसंगठित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली, सुंदर दिल्ली और हर प्रकार से सक्षम दिल्ली बनाने का सपना बना रखा हूँ, सपना देख रखा हूँ और नीति बना रखा हूँ, नियत बना रखा हूँ, ब्लू प्रिंट तैयार कर रखा हूँ, वो पूरा करूंगा। आपके साथ कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे साथ 100% लोग हैं। 100% विधायक विधानसभा में समर्थन देंगे। ये मुझे सरकार बनाने का लेटर दे, विधानसभा में 100% विधायक मुझे समर्थन देंगे। यदि हम समर्थन पाने में असफल होते हैं तो जितना खर्चा होगा वो मैं सरकार को भुगतान तत्काल करूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जनता के लिए दावे हैं या लिस्ट भी है? मैं लिस्ट दिया हूँ, 30 आदमी की लिस्ट दिया हूँ, लिस्ट मेरे पास, मैं लिस्ट दे रखा हूँ। 7 जुलाई को 30 विधायकों को बकायदा लिस्ट दे रखा हूँ। 32 विधायक पर समर्थन होता है, 30 का लिस्ट दे रखा हूँ और 50-55 का मैंने कर रहा हूँ। ये सब मेरे साथ पा सकते हैं, ये सारे बहुमत चुन रही है आपको, बहुमत विधायक दल का, ये सारे बहुमत साथ में होंगे। अच्छा, टोटल ये तो रास्ता खोले, पहले ये तो रास्ता खोले। अच्छा मान लीजिए आप बन भी जाते हैं मुख्यमंत्री, तो पहला आप क्या करेंगे जनता के लिए? पहला मुद्दा क्या होगा? सबसे पहली समस्या का समाधान है, जो भीषण गर्मी, भीषण पानी के संकट, भीषण बिजली का संकट, ये जो तत्कालिक संकट है इसका समाधान तत्काल करेंगे। ये दिल्ली में कहते हैं आशीष जी यहाँ पानी अपना नहीं है, मैं कहता हूँ दिल्ली में पानी भी है, बिजली भी है, हर चीज है, ये प्रकृति की गोद में सब कुछ है। ये पाताल गंगा से पानी लेकर दिल्ली को 1 महीने के अंदर लवा लो पानी देंगे, अपना बिजली देंगे, सौर ऊर्जा का बिजली, गोबर गैस प्लांट के बिजली, हम कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सस्ता बिजली, मतलब हर चीज है। वो स्वास्थ्य में क्या करेंगे आप? सारे महाराज अटल खाद, अटल स्वास्थ्य, अटल दिनचर्या, ये 3 कार्यक्रम में बना रखा हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भारत सरकार अवर सेक्रेटरी पास में उलट की लंबित है, वो चल रहा है प्रोसीडिंग। इस 3 चीज के आगे अटल खाद्य, अटल स्वास्थ्य, अटल दिनचर्या, इसमें लाखों को दिल्ली में इम्प्लॉयड भी करूंगा और हर प्रकार का रोग का निदान भी होगा, लोगों की दिनचर्या बदलेगी, लोगों का रोजगार, मतलब क्या नहीं मिलेगा सब कुछ। केजरीवाल जी फ्री का बस में सुविधाएं देते हैं महिलाओं को, मैं लोगों को फ्री का कुछ नहीं दूंगा, मैं लोगों को सक्षम बनाऊंगा, मैं लोगों को आदत से लगता है, बात यह है लोगों की आदत बदलने में टाइम नहीं लगती। अच्छा, आज उसको अगर सक्षम बनाएंगे ना तो वो फ्री की बात छोड़ देंगे। तो सक्षम में आप क्या करेंगे? सक्षम में हमारे पास सारी नीति है, फ्री बिजली देंगे, हमारे पास सारी नीति है, रोजगार देंगे, रोजगार 20 लाख रोजगार, कम से कम 20 लाख रोजगार दूंगा। धन्यवाद।